हाय एवरीवन, जैसे कि हमें पता है कि फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फार्मेसी में चाहे हम डी फार्मा की बात करें तो उसके बाद भी आपके पास हॉस्पिटल ट्रेनिंग आती है। बी फार्मा में भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग आती है जो कि 6 सेमेस्टर से लेकर 7 सेमेस्टर के बीच में होती है और ये 4 वीक से लेकर 6 वीक्स के ड्यूरेशन में हो जाती है। फार्मा डी में भी यहाँ पर 6th ईयर जो होता है आपका, जो पूरा 1 ईयर होता है उसमें भी आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग में आपको करवाया क्या जाता है और ये कैसे होती है। एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हमें मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए और इस ट्रेनिंग में हमें मेडिसिन के बारे में ही पता करवाया जाता है। इसमें हम 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पोसोलॉजी और डोजेज फॉर्म्स। पोसोलॉजी में हम यहाँ पर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और काफी सारी और सिनर्जिज्म और एडिटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हॉस्पिटल विजिट्स के अंदर आपको पेशेंट के बारे में बताया जाएगा कि इस पेशेंट को इतने टाइम बाद आपको यहाँ पर दवाई देनी है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इंजेक्शन लगेंगे या फिर आपको ओरल राउट पे देना होगा, ये सब आपको बताया जाएगा हॉस्पिटल ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर डॉक्टर के साथ मिलवाया जाएगा। काफी सारे वार्ड्स के अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, अलग अलग वार्ड में जो प्रिस्क्रिप्शन यूज होती हैं आपको वो पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगे कैसे आप इन्हें चेक कर सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अलग अलग एब्रीविएशन कौन सी यूज होती हैं, जैसे अगर मैं एब्रीविएशन के थोड़े से एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल होता है AC, इसका मतलब होता है खाने के पहले। ASAP होता है, ASAP होता है एज सून एज पॉसिबल। CBC मतलब कम्प्लीट ब्लड काउंट। CXR मतलब चेस्ट का एक्सरे। अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखा है DX तो इसका मतलब होगा डायग्नोसिस। अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है ENT तो यहाँ पर होता है ईयर नोज एंड थ्रोट। आपने काफी बार हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक के ऊपर डॉक्टर का जो नाम होता है वो नीचे देखा होगा कि आपने उसमें लिखा होता है कि ENT स्पेशलिस्ट। तो ENT स्पेशलिस्ट मतलब ईयर नोज और थ्रोट के स्पेशलिस्ट है, इन्होंने MD कर रखी है इस चीज के अंदर। अलग अलग हॉस्पिटल के वार्ड्स में आपको ऑब्जर्वेशन करवाई जाएगी। ऑर्थो की बात करें, चाहे हम डेंटल की बात करें, चाहे हम कार्डियो की बात करें, वहाँ पर कैसे काम होता है, कैसे सर्जरीज परफॉर्म होती हैं, कैसे मेडिकल इश्यूज के बारे में बात की जाती है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। कैसे वहाँ पर काम होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसके अंदर वो आता है पेशेंट के साथ डायरेक्ट कंसल्ट करना, जिसमें आपको यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन उनकी पढ़नी होगी, क्योंकि आपको अगर पेशेंट आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते कैसे हैं। और फार्मासिस्ट के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही यही है कि प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना कैसे है, क्योंकि अगर हम रिटेल या बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना। और जितना जल्दी हम इस स्किल को सीख लेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करें, उतनी जल्दी हम कंसल्टेशन करने में मदद कर पाएंगे पेशेंट की। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 स्टेप्स बनाए हैं, इस 6 स्टेप्स के थ्रू आप किसी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि उसमें क्या लिखा है डॉक्टर ने। अगर हम एक फिजिशियन की बात करें तो उसने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई है। अभी सैंपल के थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे आप प्रिस्क्रिप्शन को रीड करोगे। पहला स्टेप जिसमें होगा वो होगा हम ड्रग का नाम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ड्रग्स के काफी सारे सिमिलर से नाम होते हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर लिखता है उसकी थोड़ी सी हैंडराइटिंग भी काफी कर्सिव हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारा लिखना होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पर क्या रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं ड्रग का नाम, अगर हम वो कर पा रहे हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एमोक्सिसिलिन। अब हमने समझ लिया कि एमोक्सिसिलिन लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्वांटिटी को डिटरमाइन करना। क्वांटिटी को कैसे डिटरमाइन करें, अब सिर्फ एमोक्सिसिलिन तो नहीं है, कितने mg है, 500 mg लिख दिया तो मतलब mg का मतलब हमें पता होना चाहिए मिलीग्राम है, ताकि हम पेशेंट को मिलीग्राम के अकॉर्डिंग ही दे पाए। थर्ड स्टेप जो हम अब देखेंगे वो होगा ड्रग की इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन, क्या वो एक इंजेक्शन है, क्या वो एक ओरल रूट से देनी है, क्या वो एक टैबलेट है, कैप्सूल है, सपोजिटरीज है, हमें ये डिटरमाइन करना होगा। जैसे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा IG मतलब इंजेक्टेड इनटू वेन्स इंट्रावेनस, SC मतलब सबक्यूटेनियस, IM का मतलब होता है इंजेक्टेड इनटू मसल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मसल के ऊपर हमको इंजेक्ट करना होगा। अब SI होता है, SI का मतलब होता है अंडर द टंग, यहाँ पे टंग जो जीभ होती है उससे नीचे आपको यहाँ पर इंजेक्शन देना है। PR का मतलब होता है सुपोजिटरी और PO का मतलब होता है ओरली, आपको ओरल रूट के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है मेडिसिन का। अब हमें इतना पता लग गया कि ड्रग का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी में हमें देना है और वो किस डोजेज फॉर्म का है। अब यहाँ पर 4th स्टेप आता है। अब आपको पता है कि 4th स्टेप क्या होने वाला है, कब हमें उसको देना है, क्योंकि आप जब भी फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो आपको कहता है कि अब ये दवाई आपको दिन में 2 बार लेनी है या फिर ये 2 दिन तक लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, वो कहेगा सोने से पहले लेनी है या फिर आपको खाना खाने के बाद लेनी है। जैसे काफी सारे कंसल्टेशन आप करते हो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू फार्मासिस्ट के साथ, तो एज अ फार्मासिस्ट अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने पेशेंट को कैसे कंसल्ट करें कि उसे कब लेनी है। यहाँ पर काफी सारी एब्रीवेशन होते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं, इसमें काफी सारे सिंबल्स भी होते हैं, काफी सारे वर्ड्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर पहला वर्ड आता है, बड़ा कॉमन है, QD। QD का मतलब होता है हर रोज। OD का मतलब होता है दिन में 1 बार। BID हम यूज करते हैं दिन में 2 बार के लिए। TID यूज करते हैं दिन में 3 बार के लिए।
और QID का मतलब होता है यहाँ पर दिन में चार बार। इसको सिंबल में आप देखोगे तो सिंबल ऐसे बनेंगे, यहाँ पर एक डॉट होगी, उसमें दो डॉट होगी, इसमें तीन डॉट होगी, और इसको हम एक से ऐड कर देंगे। QAM का मतलब होता है हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। QPM का मतलब होता है एवरी नाइट। Q2H का मतलब होता है एवरी टू आवर, हर दो घंटे में आपको ये दवाई लेनी है। और HS का मतलब होगा रात को सोने से पहले आपको ये दवाई लेनी है, एट बेड टाइम। तो ये काफी सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो डॉक्टर लिखता है फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट को वो कंसल्ट करके बताना होता है अपने पेशेंट को। तो अब हम ये समझ गए कि हमारा ड्रग का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब है, ये सब हमें पता लग गया है। अब बात करते हैं लास्ट सेकंड स्टेप की, जो होगा हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अब डॉक्टर काफी सारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, जो कि हमें पेशेंट को बताना जरूरी है। इसमें एग्जांपल आते हैं पीसी, एसी, क्यूएचएस, पीआरएन। पीसी का मतलब होता है खाना खाने के बाद आपको, मतलब खाली पेट ये दवाई नहीं लेनी है, खाना खाने के बाद आपको ये दवाई लेनी है। एसी का मतलब होता है कि आपको बिफोर मील लेनी है, मतलब खाली पेट आपको ये दवाई खानी है। एसी अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है तो समझ जाइए खाना खाने से पहले आपको ये दवाई लेनी है। QHS होता है हर रात को, हर रोज रात को आपको ये दवाई लेनी है। PRN का मतलब होता है एज नीडेड, जब आपको लगे कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब आप इस दवाई को लेने, जब आपको लगे आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तब आप इस दवाई को लें, नहीं तो ना लें। तो आपके अकॉर्डिंग आपको वो दवाई लेनी है। और लास्ट जो आपको पॉइंट याद रखना है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए, वो है नो अबाउट रिफिल्स, रिफिल कितनी बार होता है। अब प्रिस्क्रिप्शन पे कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि रिफिल में आपको दो लिख देंगे, एक लिख देंगे, तीन लिख देंगे। तो टू का मतलब है कि आपको अगर ये दो दिन की दवाई है, आप दो दिन हो गए हैं आपने सारी दवाई ले लिया, तो आपको ये दोबारा प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मासिस्ट के पास आना है और आपको रिफिलिंग करवानी है, मतलब सारी दवाइयां दो दिन तक और खानी है, यानी कि चार दिन की ये दवाई है। तो आपको ये चेक करना है कि उस पर रिफिल लिखा है या फिर नहीं। ये मैंडेटरी नहीं होता, कई बार होता है लिख देते हैं, कई बार नहीं होता नहीं लिखते, क्योंकि दो दिन की दवाई भी हो सकती है, वो चार दिन की भी हो सकती है, छह दिन की भी हो सकती है, जो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड की बारी आती है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग के अंदर चाहे आप डी फार्मा कर रहे हो, चाहे बी फार्म कर रहे हो, फार्मडी कर रहे हो, काफी सारे इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी आपकी ड्यूटीज लगाई जाती है। उसके बाद आपको काफी सारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको भी आपको यूज करना सिखाते हैं कि आप स्पिग्नोमैनोमीटर को कैसे यूज कर सकते हो, ब्लड प्रेशर को कैसे मॉनिटर कर सकते हो, स्टेथोस्कोप कैसे यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए स्टेथोस्कोप का क्या यूज है, नेबुलाइजर का यूज क्या है, नेबुलाइजर कैसे लगाते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, काफी सारी ऐसी चीजें जो कि मेन पार्ट होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो आपको सिखाया जाता है। इंजेक्शन कितने तरह के होते हैं, IM, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, तो इनको इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है, किस पार्ट पे लगाया जाता है, अलग अलग पार्ट होते हैं बॉडी के जहाँ पे इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे किस बीमारी के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी, फर्स्ट एड में आपको अगर बोन फ्रैक्चर हो गया है, काफी सारी ऐसी चीजें हो गई हैं, वाउंड है तो उसको कैसे हील करना है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और जैसे आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है चार हफ्ते की या पांच हफ्ते की जितने भी होती है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कंप्लीशन का कि आपकी जो इंटर्नशिप है या आपकी ट्रेनिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी इंटर्नशिप या फिर हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें कमेंट्स में आपका फीडबैक या फिर आपकी जो लर्निंग्स है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहां पर आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन आपके पास है तो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, उसका भी आंसर आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इतने ही, मुझे उम्मीद है कि आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि हर बच्चों को इस हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होगी तो हमें पता होना चाहिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग में क्या होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।